तो भैवाकुल का हाल चाल? उम्मीद सब बढ़िया हुई है। तो दोस्त कैसे हो? ठीक ठाक यार। अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस? अभी सोच रहे होगे ऑफिस कौन सी। भैया ऑफिस जो है बाथरूम। लैट्रिन? वो स्टोरी बनाने की जगह है, तो बेसिकली ऑफिस हो गया है। और ऐसे भी कॉमेडी टाइप वीडियोस में आपने देखा होगा, या मैं सऊदी में था ना, तो अगर जाना होता था बाथरूम तो कोई पूछता था कहाँ चल रहे। भाई जा रहे हैं ऑफिस, अभी आते हैं, थोड़ा पैसा वसूल कर ले यार। 80,000 रुपये दे के आए हैं, कुछ तो वसूल करेंगे, चलें ऑफिस थोड़ा हो जाए। तो ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक दिमाग में ख्याल आया यार पूरी दुनिया तरक्की कर ले, ईर्ष्या नहीं होती किसी को, जलन नहीं होती, पूरी दुनिया चांद पे चली जाए, किसी को जलन नहीं होगी यार चांद पे चला गया। लेकिन कोई अपना अगर आगे निकलने लगे ना अपने से, बड़ी तकलीफ होती है यार। यार बताओ हम यहीं रह गए, ये आगे निकल गया, ये आदमी की मेंटालिटी है यार। मेरे अंदर भी ये बात है, मैं यही सोच रहा था यार कि अगर पूरा का पूरा शहर आगे चला जाए, तरक्की कर ले, चांद पे चला जाए, मार्स पे चला जाए, कहीं भी चला जाए, लोगों को जलन नहीं होगी। लेकिन जब कोई अपना निकलता है ना आगे, बड़ी जलन होती है यार लोगों को। अब मुझे ही देख लो, मेरा पेट निकल रहा है भैया, देखो मेरा पेट निकल रहा है, मुझे इतनी जलन हो रही है ना यार, इतनी जलन हो रही है मैं बता नहीं सकता। अपना होते हुए यार मुझसे आगे जा रहा है, मैं क्या बताऊं यार, इतनी जलन हो रही है ना, ये आगे जाता चला जा रहा है यार, मुझसे आगे निकल रहा है, बताओ मेरा पेट होके मुझसे ही आगे निकल रहा है। तो जलन होना तो स्वाभाविक है ना यार, इसीलिए इसीलिए अपनों की तरक्की से जलन होती है, और कोई बात नहीं है। वैसे जो शुरू में आप सोच रहे थे वो भी होता है, लेकिन मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था कि मेरा पेट जो है बहुत आगे निकल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है भैया, बहुत ज्यादा। अब मुझे लगता है इसको पीछे करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ऐसे होता है ना, आमतौर पर ऐसा भी होता है कि पड़ोसी आगे निकल रहा है तो जलन होती है, तो कुछ यार हम भी कुछ ऐसा करें कि इससे आगे निकल जाए। तो भैया आप करना ये है कि इसको पीछे करना है और खुद आगे जाना है, थोड़ी मेहनत करनी है इसमें, जैसे शुरू में आपने सोचा था वो भी होता है।